हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो में बताएंगे कि फ्लाइट डीजे की मैपिंग के बारे में और कौन सा की मैपिंग करने से आप लोग मेरी तरह ओपी लेवल का गेम प्ले कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आप लोगों को जो फ्लाइट डीजे की समस्या है पूरा सॉल्व होने वाला है आप लोगों को। और आप लोगों के पास कोई सा भी फोन हो, सिर्फ आप लोगों को सेटिंग समझना होगा, तभी आप लोग फ्लाइट डीजे में अच्छे से आप लोग खेल पाओगे। जो भी भाई लोगों के पास पोको X3 फोन है वो भाई लोग मेरी तरह कंट्रोल कर सकते हो और आप लोगों को खेलते टाइम कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। और आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स से नहीं समझा पा रहे हो तो आप लोग एक चीज करना, वीडियो बना के मेरे को इंस्टाग्राम में भेज देना। आप लोगों को जो वीडियो में जो प्रॉब्लम मेरे को दिखेगा, आप लोगों का प्रॉब्लम में उधर ही सॉल्व कर देंगे वीडियो बना के। ठीक है गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस, तो आप लोग ध्यान से पूरा देखना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो शुरू कर लेते। और सबसे पहले आप लोग मेरा जनरल देख लो, तो सारे लोग मेरा सेटिंग कॉपी कर सकते हो। तो मेरा सेंसिटिविटी आप लोग देख लो और कस्टम मोड के अंदर चलते हैं। तो कस्टम मोड मेरा शो नहीं है, मैं शो कर लेता हूँ और इधर से मैं वीडियो की स्किप कर लेते हैं। कस्टम मोड शो करने के बाद आप लोगों को क्या करना, जो फ्लाइट डीजे लोगो है उसके ऊपर क्लिक करना। जो सेटिंग में मैं खेलता हूँ उस सेटिंग को आप लोग पहले देख लो। तो इस सेटिंग में मैं कुछ छेड़खानी नहीं करूँगा, तो आप लोगों को नया सेटिंग बना के दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो न्यू सेटिंग बनाने के लिए न्यू सेटिंग के ऊपर क्लिक करो, तो आप लोग नया सेटिंग ओपन हो जाएगा, तो आप लोग को खुद से बनाना पड़ेगा। राइट साइड में नीचे के कोने में जो खाली वाला स्पेस दिख रहा है उसको ड्रैग करो, तो जो बटन के ऊपर रखना चाहते हो। तो मैं अभी भागने के लिए क्यू बटन सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्यू बटन के मैं ड्रैग करके रन बटन के ऊपर रख देंगे। और आप लोग जो भी बटन रखना चाहते हो सिर्फ आप लोग इस खाली स्पेस को ड्रैग करके उसी बटन के ऊपर रखने के बाद आप लोग कीबोर्ड से भी जो बटन आप लोग खेल तो उसी बटन को आप लोग सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो वीडियो गाइस बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं पूरा की मैपिंग करके आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, तो इधर से मैं वीडियो की स्किप कर रहा हूँ। आप लोग इतना की मैपिंग करने के बाद आप लोगों को मेन की मैपिंग अभी बाकी है। कैरेक्टर मूव करने के लिए जो 360 बटन आते हैं उसको खाली जगह पर रख दो। रखने के बाद आप लोगों को जो सेटिंग मिलते हैं उसको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पहले उसको लिंक रहे थे उसको लिंक कैंसिल कर देना, तो मैं अभी कर रहा हूँ। तो करने के बाद जो ऊपर वाला जो सेटिंग है उसको कम कर लो, 27 या 28 पर रख लो, मैं अभी 27 पर रख रहा हूँ। नीचे वाला जो सेटिंग है उसको रखना है 34 पर, उसके बाद यहाँ से कन्फर्म कर लो। उसके बाद आप लोगों का क्या करना, आप लोग जॉयस्टिक ले लेना, तो जॉयस्टिक को एकदम खाली जगह पर रख दो जहाँ पर आप लोगों को कोई सा भी बटन नहीं रहेगा। तो उसके बाद उसको सेटिंग के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो रेडिएशन है उसको कम कर लो, 30 पर रख लो। जो आप लोगों का जो जॉयस्टिक है वो ज़्यादा अटकता है, तो 30 पर रखोगे तो आप लोगों का जो जॉयस्टिक ज़्यादा अटकेगा नहीं, एकदम स्मूथ भी आप लोग गेम प्ले कर सकते हो, वो भी मेरी तरह। इधर से कन्फर्म कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेन चीज़ है माउस का कर्सर हाइड एंड शो करने के लिए खाली स्पेस से ड्रैग करके मिडिल पे लेके आओ। और जो बटन में आप लोग माउस का कर्सर हाइड एंड शो करना चाहते हो उसी बटन को आप लोग सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद उसी बटन को एक बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो सेटिंग रहेगा तो सेटिंग के ऊपर क्लिक करना, और नीचे देखोगे फ्लाई माउस करके एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग मनपसंद एक सेटिंग चूज कर लेना। ठीक है, कोई सा भी सेटिंग आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर मैं अभी 40 कर रहा हूँ। यहाँ से सेटिंग दोनों को सेम ही रखना होगा, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ से आप लोग कन्फर्म कर लो। उसके बाद आप लोग फायरिंग बटन ऐड करने के लिए आप लोग खाली स्पेस को ड्रैग करो और फायरिंग बटन के ऊपर रख दो, और माउस का जो लेफ्ट साइड बटन है उसको क्लिक कर दो एक बार, तो आप लोगों का फायरिंग बटन ऐड हो गया। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग मेरी तरह ग्लोबल कैसे लगा सकते हो वो भी फास्ट। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, खाली स्पेस को एक बार ट्रैक करके आप लोग जिस बटन में ग्लोबल लगा तो उसी बटन को आप लोग सेलेक्ट कर लेना। मैं तो माउस टू वाला बटन सेलेक्ट कर रहा हूँ और ग्लोबल बटन के ऊपर रख देंगे। रखने के बाद आप लोग फिर से एक बार माउस टू वाला बटन ऐड कर लेना। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार ऐड कर लेता हूँ, माउस टू वाला बटन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बैठने वाला बटन के ऊपर रख देंगे। तो एक बार मैं माउस टू वाला बटन प्रेस करूंगा तो मेरा कैरेक्टर गोलवाल लेके बैठ जाएगा। तो सो गाइस, आई होप आप लोग मेरा स्की मैपिंग समझ चुके हो और आप लोग फ्लाइट डीजे में गेम प्ले करने में आप लोगों को कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इस सेटिंग को आप लोग सेव कर लो। तो सेव करने के बाद आप लोग को पहले नामकरण करना पड़ेगा, तो मैं पहले नामकरण कर लेता हूँ मेरा नाम, तो राजू FF लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर डन कर देंगे। डन करने के बाद आप लोग को इसी सेटिंग में मैं आप लोगों को कुछ क्लिप ट्रेनिंग राउंड में दिखाता हूँ कैसे आप लोग गेम प्ले कर सकते हो। तो सो गाइस, जिस बटन को आप लोग माउस का कर्सर हाइड एंड शो करने के लिए रखो उसी बटन को आप कहीं भी आप लोग हाइड कर लो माउस का कर्सर, आप लोगों को एकदम बीच में आ जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा फीचर इसमें अच्छा लगा मेरे को। तो सो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक को ऊपर लेके आए वो भी कमेंट करना। तो आप लोग देख ही सकते हो मैं फ्लाइट डीजे में कितना अच्छे से गेम प्ले कर सकता हूँ। और आप लोग मेरी तरह सेटिंग करोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आप लोग मेरी तरह गेम प्ले ओपी लेवल का कर सकता हूँ फ्लाइट डीजे में। और एक बात गाइस, जब आप लोगों को जॉयस्टिक बटन फायरिंग बटन दोनों एक साथ अटैच हो जाएगा, तो आप लोग क्या करना, आप लोगों को जो माउस का कर्सर उसको हाइड एंड शो करते रहना है,
हमेशा करते रहना, क्योंकि हमेशा करोगे तो आप लोगों को जो जॉयस्टिक और फायरिंग बटन दोनों एक साथ अटैच नहीं होगा और आप लोगों को जो एम स्टॉक फायरिंग बटन ग्लिच एक भी नहीं होगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, और जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।